अच्छी तेजी के बाद मानो कि चने की बढ़ती कीमतों पर एक ग्रहण सा लग गया हो। पहले जो चने की कीमतें ऊपर में 5600 से 6000 जाती नजर आई थी, बाद में तेजी से गिरती भी नजर आई। दरअसल दालों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने काफी बड़े फैसले लिए थे, जैसे कि दालों पर स्टॉक लिमिट, दालों का आयात करना इत्यादि। सरकार के फैसलों के चलते दालों का बाजार गिरता नजर आया था, जो कि अभी ठीक से उठा भी नहीं है। चना समेत दालों की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हाल ये रहा कि दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर भी दलहन बाजार में सुस्ती दिखाई पड़ी थी। व्यापारियों में डर का माहौल है कि कहीं वे दालों में कुछ कदम उठाएं, व्यापार करें और सरकार का कोई फैसला ना आ जाए। हालांकि सरकार दालों पर इतने फैसले ले चुकी है कि दालों में गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऐसे में अब भारत में शादी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। व्यापारियों को उम्मीद है कि शादी के सीजन में उनकी कुछ कमाई हो सकती है, दालों की चने की डिमांड निकल सकती है। इसी उम्मीद में कुछ व्यापारियों ने चना समेत दालों को रोक के चलना भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।